सुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घर में काम करने वाली एक महिला नौकर ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की अगर माने तो महिला के पास चोरी किए गए लाखों रुपयों की जेवरात और अन्य सामान बरामद भी हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। विगत दिनों मल्हारगंज थाने के रामनगर में एक चोरी हुई थी, जिसमें घर की अलमारी से आभूषण, हार, पायजेब आदि चोरी गए थे। उस पे विवेचना की गई। मल्हारगंज थाना प्रभारी प्रीतम सिंह और उनकी टीम ने सरगर्मी से तलाश की और इसमें एक महिला आरोपी है, जो उनके घर जिसका आना जाना था फरियादी के घर, उस आरोपियान को पुलिस द्वारा उज्जैन से पकड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में व्यापारियों ने युवा मोर्चा के साथ मिलकर #Chair4India अभियान के तहत सेल्फी पॉइंट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने कहा कि भारत ने अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी में 41 साल बाद पदक प्राप्त किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक को अपने नाम किया। इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, पूरा भारत जो है इस समय जोश से भरा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसमें 40 साल से हम पदक प्राप्त नहीं कर पाए थे, हमने पदक प्राप्त किया है। निश्चित रूप से अपने आप में ये देश का जो जोश है, देश के युवाओं का, देश के बाकी लोगों का जो जोश भारतीय टीमों के साथ में था, उसकी बड़ी जीत हुई है। इसको जश्न के रूप में मनाने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी अरेरा मंडल ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आप देख रहे हैं कि जनता भी बहुत हर्षोल्लास से भरी हुई है। निश्चित रूप से खेल भावना, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो जब टीम और मैदान में दिखाई देती है तो आप जानते हैं नतीजा क्या होता है। यही टीम भावना आगे भी दिखाई दे, सबको साकार करने के लिए हम लोग मैदान में आए। हमारा पूरा विश्वास है आने वाले समय में आप और भी अच्छे रिजल्ट देखेंगे। हॉकी के क्षेत्र में 41 साल बाद हमारे देश भारत को सफलता मिली है। इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा की है। पीएम ने के इस फैसले से खुश होकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मध्य प्रदेश और खिलाड़ियों की तरफ से धन्यवाद दिया। आइए आपको सुनाते हैं वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा। आज हम सब लोगों के लिए, देश के लिए गौरव का विषय है कि भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जो किया है, ये खेल हस्तियों के लिए तो है ही, लेकिन पूरे देश के लिए एक गौरव और सम्मान का विषय है। उन खिलाड़ियों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है जो 41 साल बाद हॉकी के अंदर आज ओलंपिक में हम जीत करके, पदक जीत करके आए हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और खेल प्रेमियों की ओर से और पूरे देश की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इस वक्त मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। ग्वालियर चंबल अंचल के साथ साथ अब मालवा निमाड़ के जिलों में भी मॉनसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 24 घंटों में कई जिलों में भारी और तेज बारिश होने की संभावना है। गौरतलब है कि भोपाल के अलावा मंदसौर, शाजापुर, आगर, मालवा, सीहोर, रायसेन सहित सागर में तेज बारिश हो रही है। लेकिन अब नीमच, देवास, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, होशंगाबाद, हरदा सहित नरसिंहपुर में भी बारिश होने की बात मौसम विभाग ने कही है। पिछले 24 घंटे के दौरान एक लो प्रेशर है जो नॉर्थ सेंट्रल एमपी के ऊपर है, उस वजह से
पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी बारिश देखने को मिली, जिसमें से बेस्ट एमपी में मानसून काफ़ी सक्रिय रहा। और प्रमुख आंकड़े जो हैं वर्षा के, वो है चाचौड़ा और सिरौन में 17 सेंटीमीटर और राधागढ़ 16, कुंभराज 15 सेंटीमीटर, शमशाबाद में 15 सेंटीमीटर, बमौरी में 13 सेंटीमीटर, लटेरी में 12 सेंटीमीटर, ब्यावरा में 11 सेंटीमीटर, आरोन में 10 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इंदौर के मल्हारगंज थाना पुलिस ने गोलीकांड के एक आरोपी को 24 घंटे से कम समय में पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं एक आरोपी अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस की माने तो मल्हारगंज थाने पर आरोपियों ने एक वाहन पर फायर कर फरियादी की हत्या करने का प्रयास किया। इस घटना के बाद मुख्य आरोपी लवीश यादव और पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। अब इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पप्पू उर्फ प्रदीप को गिरफ्तार किया है और उसके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। विगत दिनों मल्हारगंज थाने के रामनगर में एक चोरी हुई थी, जिसमें घर की अलमारी से आभूषण, हार, पायजेब आदि चोरी गए थे। उस पे विवेचना की गई। मल्हारगंज थाना प्रभारी प्रीतम सिंह और उनकी टीम ने सरगर्मी से तलाश की और इसमें एक महिला आरोपी है, जो उनके घर जिसका आना जाना था फरियादी के घर, उस आरोपियान को पुलिस द्वारा उज्जैन से पकड़ा गया है। इन दिनों केंद्र सरकार ने विद्युत कंपनियों के निजीकरण को लेकर विद्युत मंडल के 17 संगठनों ने जन आंदोलन किया। इस कड़ी में अब संयुक्त मोर्चा 7 अगस्त को एक दिन का बहिष्कार करने जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 13 अगस्त को प्रदेश को अंधकार में डुबाया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार के विद्युत सुधार विधेयक 2021 के विरोध में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध कर रहा है। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा विद्युत कंपनियों में कार्यरत 15 प्रमुख संगठनों का महागठबंधन है। हमारे द्वारा विगत कई माह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय तथा बिजली कंपनी के मैनेजमेंट की ओर ध्यान आकर्षण किया जा रहा था कि पावर सेक्टर का निजीकरण नहीं किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि संसद में पारित करवाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। मीडिया और पत्रकारिता के माध्यम से जो संदेश पहुंचा है, पहले तो वो भी धन्यवाद के पात्र, क्योंकि हमारी पूरी मदद कर रहे हैं वो। और पिछले जितने समय से जो भी हमारी गेट मीटिंग हो रही है, गेट में आंदोलन हो रहे हैं, चाहे जबलपुर हो, ग्वालियर हो या भोपाल हो, वो सभी जगह जाकर के हमारी मदद कर रहे हैं। और हमारी आगे भी उनसे ऐसी उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से हमारी सारी मदद भी करते रहे और हमारा संदेश घर घर तक पहुंचाएगी। कोरोना योद्धा घोषित करने के लिए जो हमने महान प्रशासन से किया है, बिजली का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है, यदि हम बिजली जो है वापस सप्लाई नहीं करें तो बिजली यदि हम हॉस्पिटल को सप्लाई नहीं देते हैं तो हॉस्पिटल चला नहीं सकता है, किसी की सेवा नहीं कर सकता, इलाज नहीं कर सकता। नगर निगम को यदि हम बिजली नहीं दे तो पानी की सप्लाई दूसरे को काम नहीं कर सकता। बिजली नहीं है तो पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी सही ढंग से पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ नहीं कर सकता। बिजली तक इतनी ही अति आवश्यक सेवा है कि जिसकी जरूरत आम जनता से लेकर के हर सरकारी उपक्रम को है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।